नमस्कार सभी को। और आज मैं बात करने वाला हूँ जो अपकमिंग अंडर 19 सेफ कप आ रहा है वुमेन्स का, उसके बारे में। तो ये उसका सेकंड एडिशन है। इसके पहले जो हुआ था 2018 में उसको सेफ अंडर 18 कहा था, लेकिन इस बार सेफ अंडर 19 हो गया है वो। और पिछले बार 2018 में हुआ था और उसमें बांग्लादेश विनर थी, रनर अप नेपाल थी और इंडिया उसमें थर्ड आई थी, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। तो आई होप कि इंडिया इस बार अच्छा करेगी। तो 2021 के सेफ अंडर 19 वुमेन्स कप की हम बात करें तो ये बांग्लादेश में होने वाला है 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, और इसमें 5 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और इंडिया। और इसमें सभी टीम एक ग्रुप में ही है, सभी टीम्स एक दूसरे से खेलेंगी और जो टॉप 2 टीम रहेगी वो फाइनल में चली जाएगी। तो इस तरह से टूर्नामेंट होगा इस बार का। और हम इंडिया टीम के फिक्स्चर पर नज़र डालें तो हमारा पहला मैच है 13 दिसंबर को श्रीलंका से, दूसरा मैच 15 दिसंबर को भूटान से, तीसरा मैच 17 दिसंबर को बांग्लादेश से और चौथा मैच हमारा नेपाल से 19 दिसंबर को। और अगर हम टॉप 2 फिनिश करते हैं ग्रुप में तो हम फाइनल में जाएंगे और वो मुकाबला होगा 22 दिसंबर को। तो देखिए, जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सीनियर टीम के मैचेस होते हैं उतने ही जूनियर टीम के मैचेस भी होते हैं। तो इन मैचेस में भी आपको टीम को सपोर्ट करना है, इन मैचेस को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि यही तो बुनियाद है। नीचे से टीम्स अच्छी होते जाएगी यूथ लेवल से तो सीनियर अपने आप अच्छी होते जाएगी। तो इसीलिए आपको हमारे अंडर 19 सेफ वुमेन्स कप को भी उतना ही तवज्जो देना है जितना कि आपने लास्ट मंथ में सेफ कप को दिया था। और इस टूर्नामेंट में अगर हम स्ट्रांग कंटेंडर की बात करें तो भाई आप देख सकते हैं बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी है, नेपाल की टीम बहुत अच्छी है और इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। तो इन तीनों में से ही कोई विनर बनेगा और देखते हैं कि कौन बनता है। लास्ट टाइम तो बांग्लादेश ने बाजी मारी थी और इस साल हम आशा करते हैं कि भाई हमारे देश की टीम बाजी मार जाए तो क्या होगा कि हमको एक सुखद अंत मिल जाएगा 2021 का, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इंडिया अंडर 19 वुमेन्स का कैंप जो है वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है, उसके लिए कॉलिंग तो स्टार्ट हो गई है प्लेयर्स की, तो देखते हैं अभी कब से चालू होता है। तो फिर जो प्लेयर्स की लिस्ट है वो भी अनाउंस हो जाएगी बाद में। और सभी फुटबॉल फैंस जो है वो सेफ अंडर 19 वुमेन्स कप के लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, देखना भूल मत जाना आपने। और डेट याद रखिए, हमारा पहला मैच 13 दिसंबर को है श्रीलंका से। और ये आप कहाँ पर देख सकते हैं अभी तो इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, ये तो बाद में पता चल पाएगा टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, उस टाइम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और किसी को कुछ जानने की इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए और अभी फिलहाल तो वुमेन्स फुटबॉल को सपोर्ट करने की बारी है, तो सपोर्ट कीजिएगा आप, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।